अहमद कुंडी साहब योर रेजोल्यूशन। शुक्रिया स्पीकर साहब। सरायकी जबान जो कि एक कदीम जबान है और काफी अरसे से यह जबान लिखी और बोली चली आ रही है, ये जबान सूबा खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर सूबों में बोली जा रही है और वक्तन फवक्तन खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर सूबों से इस जबान के बोलने वाले मुंतखब अरकान हुकूमती ऐवानों में पहुंचते हैं। लिहाजा ये असेंबली सूबाई हुकूमत से सिफारिश करती है कि सरायकी जबान को पार्लिमानी जबान का दर्जा दिया जाए और सूबाई असेंबली की कवायद और जवाबत में इस बारे में तरमीम लाई जाए। जी मिनिस्टर साहब। सर कुंडी साहब तो हमेशा जेन्युइन चीज ही लाते हैं, तो सर हम इसको एतराज नहीं करते। इज दिस द डिजायर ऑफ द हाउस दैट द रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द ऑनरेबल मेंबर मे बी पास्ड? दोज हु आर इन फेवर ऑफ इट मे से यस, दोज अगेंस्ट मे से नो। आई हैव इट, द रेजोल्यूशन इज पास्ड। अहमद कुंडी साहब योर रेजोल्यूशन। शुक्रिया स्पीकर साहब। सरायकी जबान जो कि एक कदीम जबान है और काफी अरसे से यह जबान लिखी और बोली चली आ रही है, ये जबान सूबा खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर सूबों में बोली जा रही है और वक्तन फवक्तन खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर सूबों से इस जबान के बोलने वाले मुंतखब अरकान हुकूमती ऐवानों में पहुंचते हैं। लिहाजा ये असेंबली सूबाई हुकूमत से सिफारिश करती है कि सरायकी जबान को पार्लिमानी जबान का दर्जा दिया जाए और सूबाई असेंबली की कवायद और जवाबत में इस बारे में तरमीम लाई जाए। जी मिनिस्टर साहब। सर कुंडी साहब तो हमेशा जेन्युइन चीज ही लाते हैं, तो सर हम इसको एतराज नहीं करते। इज दिस द डिजायर ऑफ द हाउस दैट द रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द ऑनरेबल मेंबर मे बी पास्ड? दोज हु आर इन फेवर ऑफ इट मे से यस, दोज अगेंस्ट मे से नो। आई हैव इट, द रेजोल्यूशन इज पास्ड।